नमस्कार, मैं प्रीति विश्वास इंडियन न्यूज से। आपने वो वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखे हैं जिसमें बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद लेते हैं। कुछ लोग पीएम से सीखकर ऐसा रूटीन बनाने की समझाइश भी देते हैं, लेकिन अब खुद पीएम मोदी ने मन की बात में 7 घंटे सोने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, एक्टर अक्षय कुमार और क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर से मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बात करते हुए यह कहा। किसके लिए कितनी नींद और कौन सी मात्रा सही है, कब नींद की कमी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बिगाड़ने लगती है, आज आयुष्मान में हम इसी के बारे में बात करेंगे। फिजिशियन बताते हैं कि इंसानी शरीर अपने आप में पूर्ण है, यह बिना किसी बाहरी मदद के अपने भीतर आई खराबियों को ठीक करने और विकास करने का काम लगातार करता रहता है। यह काम ज्यादातर नींद के दौरान होता है, जब हमारी ग्रोथ हार्मोन सक्रिय होते हैं। छोटे बच्चे खूब सोते हैं, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। बच्चों का शरीर विकसित हो रहा होता है, उनके ब्रेन टिश्यू शरीर की कोशिकाएं और पूरा का पूरा शरीर ही ग्रो कर रहा होता है। इसी दौरान उनके ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं और इससे जितना छोटा बच्चा होता है वह उतना ज्यादा सोता है, जबकि बुजुर्गों को नींद बहुत कम आती है क्योंकि उनके शरीर में नए टिश्यू निर्माण और पुराने की मरम्मत की दर धीमी होती है। ऐसे में अगर 4 बजे भोर में उठकर घर के बुजुर्ग बच्चों को देर तक सोने के लिए ताने दें तो यह नाइंसाफी होगी, क्योंकि नींद और उम्र का रिश्ता उल्टा है। उम्र जितनी अधिक होगी नींद की जरूरत उतनी ही कम होती जाती है। नींद के दौरान हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है, सांस की दर भी धीमी हो जाती है और इस दौरान तन और मन अगले दिन के लिए तैयार होता है। दिन भर जो कुछ सीखा सोचा वह नींद के दौरान ही यादों की पोटली में कैद किया जाता है। अगर किसी ने नींद में गिटार बजाना सीखा और उस रात अच्छी नींद नहीं ली तो संभव है कि गिटार बजाने की कला उसके अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाई होगी और 2-4 दिन में ही वह उसे भूल जाए। दिन भर शरीर और मन कैसा प्रदर्शन करेगा यह सीधे पिछली रात की नींद पर निर्भर करता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की 2022 में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि कम सोने वाले बच्चों का स्कूल में और एडल्ट्स का ऑफिस में प्रदर्शन कमतर होता है। कम सोने वाले ड्राइवर्स के एक्सीडेंट करने की आशंका ज्यादा होती है। 7 घंटे नींद का मतलब 7 घंटे बिस्तर पर पड़े रहना या आंखें बंद करना नहीं है। अगर नींद की क्वालिटी अच्छी है तो संभव है कि 6.5 घंटे में ही शरीर अपनी नींद की जरूरतें पूरी कर ले, और अगर क्वालिटी खराब हुई तो 8 घंटे सोकर भी शरीर को कोई फायदा नहीं होगा। पूरी नींद के दौरान बॉडी इन 4 स्टेजों से गुजरती रहती है और इसका साइकिल थोड़ा भी बिगड़ा तो बॉडी को नींद के फायदे कम मिलते हैं। पहला स्टेज, इसको NREM1 यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। दूसरा स्टेज, इसे NREM2, इसमें बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने लगता है। तीसरी स्टेज यानी NREM3, इस स्टेज में व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है। और चौथी स्टेज है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट, नींद की चौथी स्टेज। पहले स्टेज में हमारी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स नहीं रहती, यह स्टेज 1 से 7 मिनट तक रहता है और इसमें व्यक्ति आसानी से जाग सकता है। दूसरा स्टेज, इसमें बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने लगता है, इसे NREM2 कहा जाता है और स्टेज में 10 से 15 मिनट तक नींद का चक्र रहता है। तीसरी स्टेज है NREM3, जिसमें व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है, ऐसे में उसका जागना आसान नहीं होता। चौथी स्टेज है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट, नींद की चौथी स्टेज। यह स्टेज सोने के लगभग 90 मिनट बाद शुरू होती है। नींद की इसी स्टेज में सबसे ज्यादा सपने आते हैं। जीवन शैली में साधारण से बदलाव से आपकी नींद की गुणवत्ता पर फर्क पड़ सकता है। जी हाँ, रिसर्च और एक्सपर्ट्स का निचोड़ यही है कि सेहत, काम और जिंदगी सभी बेहतर चले इसके लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। काम या पढ़ाई के बहाने से नींद कम करना
परीक्षा के अंक और प्रोडक्टिविटी दोनों को घटा सकता है। यह भी ध्यान रखें कि 7 घंटे की नींद सिर्फ कोटा पूरा करने की कवायद नहीं होनी चाहिए, बल्कि साउंड स्लीप हो, यानी घोड़े बेचकर कुंभकर्ण की नींद सोएं। यह मेंटल फिजिकल हेल्थ, पढ़ाई, काम, रिश्ते सभी के लिए जरूरी है। अच्छी और आरामदायक नींद पाने के लिए इन 10 तरीकों को अपनाएं। सोने और जागने का समय निर्धारित करें। लगभग हर रोज एक ही समय पर सोने और जागने का एक नियमित समय तय होना चाहिए। इससे आपके शरीर को अच्छी और बेहतर नींद मिलेगी। सोने के लिए ऐसा समय चुनें जब आपको थकान महसूस हो रही हो और आपको आसानी से नींद आ जाए। माहौल ऐसा बनाएं जिसमें आपको आसानी से नींद आ जाए, यानी आपके आराम करने वाले कमरे का आपके लिए शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपके कमरे का तापमान, रोशनी और शोर सभी पूरी तरह से नियंत्रित होने चाहिए, जिससे आपके सोने के कमरे का वातावरण आपके अच्छी नींद लेने में सहायक बने। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है जो आपके साथ आपके कमरे में सोता है और आपको रात में परेशान करता है, तो ज़्यादा अच्छा होगा आप इसे दूसरे कमरे में सुला दें, ताकि आप आराम से सो सकें। आरामदायक बिस्तर पर सोएं। ऐसे किसी गद्दे पर आराम से सोना मुश्किल है जो या तो बहुत नरम हो या तो बहुत कठोर, या एक बिस्तर जो बहुत छोटा या पुराना है। नियमित व्यायाम करें। जी हाँ, नियमित रूप से मध्यम शक्ति वाले व्यायाम करना, जैसे तैराकी या पैदल चलना, दिन भर के तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आप सोते समय जोरदार व्यायाम न करते हुए, जैसे दौड़ना या जिम, क्योंकि यह आपको जागृत रख सकता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार ही अपने आप को किसी तरह तंदुरुस्त रख सकते हैं। कैफीन वाली चीज़ों को कम लें, यानी चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक और कोला जैसी चीज़ों से दूर रहें। खासकर शाम के समय इन चीज़ों को न लें। कैफीन आपकी नींद में बाधा उत्पन्न कर सकता है और आप अच्छी नींद नहीं ले पाते। इसलिए अच्छा होगा कि आप सोने से पहले गर्म दूध या हर्बल चाय पिएं। अगला उपाय है, धूम्रपान ना करें। निकोटीन एक उत्तेजक पदार्थ है। धूम्रपान करने वालों को नींद आने में अधिक समय लगता है। वे बार बार उठते हैं और अक्सर उनकी नींद बाधित होती है, यानी टूटती रहती है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना न खाएं। जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा खाना या शराब, इनका सेवन देर रात को करने से भी आपकी नींद के नियम में बाधा उत्पन्न होती है। शराब का सेवन करने से आपको पहले से ही नींद आने लगती है, और जब रात में सोने का समय होता है तब आपकी नींद आने में आपको परेशानी होती है। सोने से पहले थोड़ा रिलैक्स करें। गर्म पानी से नहा लें, शांत संगीत सुने या मन और शरीर आराम देने वाले व्यायाम करें। आपके डॉक्टर आपको ऐसे सीरीज सुनने की सलाह दे सकते हैं जिन्हें सुनकर आपकी थकान दूर हो और आपको आराम महसूस हो। अपनी चिंताओं के बारे में लिखें। जी हाँ, यदि आप कल क्या कुछ करना है के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर लेट जाते हैं, तो अगले दिन की योजना बनाने के लिए सोने से पहले समय निर्धारित करें। उद्देश्य यह है कि जब आप बिस्तर पर हों तो सोने की कोशिश करते समय इन चीज़ों से बचें। यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो उठ जाएं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो लेटे हुए इस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उठ जाइए और ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपको आराम मिले और दोबारा नींद आ जाए, तब दोबारा सोने जाएं। यदि आपकी नींद की कमी आपके रोज के जीवन पर असर डाल रही हो तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। ये तो हुई बात कि अच्छी नींद कैसे लें, पर जब यही नींद आपको परेशान करने लगे, बहुत ज़्यादा आने लगे, तब क्या करना है? आइए मैं आपको बताऊं। परीक्षा का समय आ चुका है और ऐसे में क्या आपको पढ़ाई करते समय नींद परेशान करती है? क्या आप अक्सर किताबों पर मुंह रखकर सोते पाए जाते हैं? तो विद्यार्थियों, पढ़ाई करते समय नींद आना एक बहुत ही आम समस्या है। जैसे हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग काम ही करना बंद कर देता है। आंखों में नींद घुलने पर हम कुछ समय तो ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में जब सब कुछ हमारे बस से बाहर हो जाता है तो हमें बेबस होकर सोना ही पड़ता है, या फिर कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कब आंख लग गई। नींद आने की इसी समस्या का कारण विद्यार्थी चाहकर भी अपने स्टडी टारगेट को पूरा नहीं कर पाते। तो विद्यार्थियों की इसी समस्या का हल निकालते हुए हम 8 ऐसे सरल उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो आपको बिना सोए प्रभावशाली तरीके से पढ़ाई करने में काफी मददगार साबित होंगे। कम रोशनी में कभी ना पढ़ें। जी हाँ,
बहुत से विद्यार्थी सिर्फ एक स्टडी लैंप चलाकर ही पढ़ाई करते, जिसकी वजह से कमरे के बाकी हिस्से में तकरीबन अंधेरा होता है। अब आप ही बताइए कि मध्यम सी रोशनी, उस पे शांतिप्रद व आरामदायक परिवेश, ऐसे वातावरण में नींद आना तो अति स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने के लिए अपने स्टडी रूम को अच्छे से प्रकाशित करें। बेड पर लेटकर पढ़ने से बचें। पढ़ाई करते समय आपका आसन और बैठने का तरीका भी बहुत महत्व रखता है, इम्पोर्टेंट होता है। कैसे? बेड पर लेटकर कभी नहीं पढ़ना है, इससे आपको आलस आ सकता है जो कि नींद को आमंत्रित करता है। इसलिए पढ़ाई करते समय हमेशा कुर्सी पर सही ढंग से पीठ सीधी करके ही बैठें। सामने एक टेबल रखें और किताब गोद में रखकर पढ़ने की बजाय सामने टेबल पर रखकर पढ़ें। कुर्सी पर बैठे समय अपने हाथ या पांव कुछ कुछ समय बाद हिलाते रहें या मूवमेंट रखें, इससे आपके अंदर सक्रियता बनी रहेगी। अत्यधिक खाने से हो सकता है नुकसान। जी हाँ, आप अक्सर महसूस करते होंगे कि भरपेट भोजन करने के बाद शरीर में भारीपन, सुस्ती या आपको नींद आने लगती है, जो कि शरीर में शुरू होने वाली पाचन प्रक्रिया की वजह से होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप कम खाएं और 3 बार खाने की बजाय दिन में 5 बार खाएं। कभी भी भूखे पेट ना पढ़ें, इससे आपके दिमाग की याद करने की क्षमता कम हो जाती है। भोजन करने के तुरंत बाद भी पढ़ने के लिए न बैठें। भरपूर मात्रा में पानी पीने से होगा फायदा। कैसे? पढ़ाई करते समय ज्यादा पानी पीना न तो सिर्फ आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि इससे आपको एक और फायदा मिलेगा। ज्यादा पानी पीने से आपको कुछ देर बाद अपनी सीट से उठकर वॉशरूम जाना पड़ सकता है, जिससे आपके शरीर की निष्क्रियता टूटेगी और आप सक्रिय बने रहेंगे। साथ ही ज्यादा पानी पीने से दिमाग हाइड्रेटेड व तरोताजा रहता है और इसकी सक्रियता बनी रहती है, जिससे आसानी से पाठ याद करने में सहायता मिलती है। जल्दी सोने और जल्दी उठने का रूटीन अपनाएं। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, जिसका मतलब है कि जल्दी सोने और जल्दी उठने से शारीरिक तंदुरुस्ती, समृद्धि व दिमागी शक्ति में बढ़ावा होता है। विद्यार्थी जीवन में भी इस कथन का उतना ही महत्व है जितना एक आदमी के जीवन में। रात को जल्दी सोने से आप पर्याप्त नींद ले सकते हैं, जिससे आप सुबह बिल्कुल तरोताजा उठेंगे। फ्रेश माइंड से चीजें याद रखना बहुत ही आसान होता है और फिर पर्याप्त समय तक सोने के बाद पढ़ाई करते वक्त फिर से नींद आने का कोई मतलब नहीं बनता। दोपहर के बाद एक छोटी झपकी रखेगी आपको तरोताजा। जी हाँ, इम्तिहान के दौरान यानी परीक्षा के समय सुबह में लगातार पढ़ने के बाद अगर आप बाद दोपहर भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, तो शायद थके हुए दिमाग के साथ आपके लिए याद करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि दोपहर का खाना खाने के बाद घंटे भर के लिए सो जाएं। इससे आपकी सुस्ती व उन्नीदापन दूर होगा और आपका दिमाग नए तरीके से चीजों को याद करने के लिए तरोताजा हो जाएगा। रात के समय पढ़ने के लिए चुनें अपना पसंदीदा विषय। रात के समय पढ़ने के लिए सिर्फ वही विषय चुनें जो आपके फेवरेट हैं और जिन्हें आप आसानी से समझ व याद कर सकते हैं। सरल विषय या टॉपिक्स को रात में याद करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपको बोरियत भी नहीं होगी और आप ज्यादा देर तक बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे। बोल बोलकर तथा लिखकर पढ़ाई, यह तरीका पढ़ाई करते वक्त होने वाली बोरियत तथा आने वाली नींद को दूर भगाने में काफी हद तक कारगर सिद्ध होता है। हर विषय को इस तरह से बोल बोल कर पढ़ें जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ाते हैं। इससे आपका दिमाग सतर्क बना रहता है और नींद आने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा खुद को एक्सप्लेन करके पढ़ने से चीजों को याद करना भी बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ ही पाठ को सिर्फ मौखिक रूप से याद करने के बजाय यानी बोल बोल कर सिर्फ पढ़ने से या उसके बजाय मुश्किल उत्तरों या सवालों को लिख कर भी याद करें, यानी राइटिंग पैटर्न में। इससे भी आपकी सतर्कता बनी रहेगी और चीजें याद करने में भी आसानी होगी। इस जानकारी से हमने जाना ज्यादा नींद आना किसका लक्षण है। हर वक्त नींद आने की समस्या को हाइपरसोम्निया कहा जाता है और इस बीमारी में आपको रात में देर तक सोने के बाद भी दिन के समय अत्यधिक नींद महसूस होती है। इस वजह से आपकी डेली लाइफ और कामकाज भी प्रभावित होता है और यह समस्या ज्यादा शराब पीने, तनाव और अवसाद की वजह से भी होता है।
दिन में नींद भगाने के लिए क्या करें? जॉन हॉपकिंस के मुताबिक दिन में नींद भगाने के लिए आपको रात की नींद बेहतर बनानी चाहिए, जिसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन, एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद आदि की जरूरत होती है। और इसके अलावा आप दिन में पावर नैप लेकर भी इस दिक्कत से छुटकारा पा सकते हैं। पढ़ते वक्त नींद आती ही क्यों है? असल में पढ़ाई करते वक्त हमारी आंखों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और मस्तिष्क पढ़े हुए को किसी कंप्यूटर मेमोरी की तरफ फीड करता रहता है। ऐसे में आंखों के मांसपेशियां शिथिल पड़ने लगती हैं और दिमाग थोड़ी ही देर में मेहनत से नकारने लगता है और हमें नींद आने लगती है। इस तरह से दर्शकों, विशेष रूप से विद्यार्थियों, अगर आप और ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए अधिक घंटों तक बैठकर पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन नींद आपके लक्ष्य तक पहुंचने के बीच बाधा डाल रही है, तो यहाँ बताए हुए इस आयुष्मान कार्यक्रम में बताए गए टिप्स व सुझाव निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे।